वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीजीएल 2018 प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आरटीआई रिप्लाई है। ये एसएससी सीजीएल 2019 और एसएससी में ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो आरटीआई रिप्लाई है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 5 के 5 क्वेश्चंस एसएससी में ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज नॉर्मलाइज मार्क्स इज ग्रेटर देन 200 इन एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 एग्जामिनेशन। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 एग्जामिनेशन में 200 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो यहाँ पर एसएससी का रिप्लाई है, सच पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंटेन्ड बाय सीपीआईयू। इनके द्वारा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड नहीं की जाती है, मतलब एसएससी ने जो इसका उत्तर देने से साफ इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है, शिफ्ट वाइज मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसएससी सीजीएल 2018 टायर 1 एग्जामिनेशन। जो शिफ्ट वाइज मीन मार्क्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसके बारे में भी पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट। जो तो शिफ्ट वाइज जितने भी एवरेज मार्क्स थे तो टॉप 0.1% स्टूडेंट्स के मांगे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट, मतलब जो एवरेज मार्क्स सारे शिफ्ट को मिलाकर 0.1% स्टूडेंट्स के मांगे गए थे। तो यहाँ पर जो जितने भी 2, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का जो रिप्लाई है वो एसएससी ने दिया है, द एग्जामिनेशन प्रोसेस इज गोइंग, देयरफॉर द इंफॉर्मेशन साउट बाय यू कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड एज ऑफ नाउ। मतलब जो एग्जामिनेशन अभी जा रही कंडक्ट की जा रही है, इसलिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा जो मांगी गई है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जब सीपीओ के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके थे उस समय भी यही सब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी एसएससी से, लेकिन एसएससी ने उस समय में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाने के बाद भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि दिन ब दिन एक वक्त था जब 2013-2014 में एसएससी में कितनी ट्रांसपेरेंसी हुआ करती थी, सारे मार्क्स पीडीएफ में अपलोड हुआ करते थे और सारी की सारी जो डिटेल थी पब्लिकली थी, इसी से हमें पता चल जाता था कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारा रैंक क्या है, हमें तैयारी करनी चाहिए नेक्स्ट स्टेज की या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी इतना मतलब गुप्त चीज़ें हो चुकी हैं, ना ही मार्क्स पीडीएफ में अपलोड किए जाते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली नहीं है, इससे हमें पता ही नहीं चलता कि किसके कितने मार्क्स हैं, या कोई ऐसा भी कैंडिडेट है जिसके मार्क्स जानबूझ के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एसएससी ने देने से मना कर दी है। अब देखते हैं कि जो कमेटी बैठी है, कमेटी में अगर अच्छे लेवल पर रिफॉर्म होता है तो फिर से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।